गुड मॉर्निंग एवरीबडी. नाउ इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस द एल्जेब्रिक सम मेथड ऑफ वेक्टर. क्योंकि पहले जो वेक्टर एडिशन की मेथड थी वो ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड थी. आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो एल्जेब्रिक सम वाली मेथड है. एल्जेब्रिक सम मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले वेक्टर ए, सो सपोज ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के. सो नाउ एल्जेब्रिक सम मतलब ए प्लस बी. ए प्लस बी में क्या करते हैं कि सबके कंपोनेंट ऐड करेंगे. ए एक्स प्लस बी एक्स सो आई कैरेट ए वाई प्लस बी वाई जे कैरेट ए जेड प्लस बी जेड के कैरेट. तो कंपोनेंट ऐड करने से जो वेक्टर क्रिएट होगा उसको क्या बताएंगे, एडिशन. नाउ सिमिलर ए माइनस बी, सो नाउ ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैरेट ए वाई माइनस बी वाई जे कैरेट नाउ ए जेड माइनस बी जेड के कैरेट. तो इस तरह की इसमें क्या होती है, सब्ट्रैक्शन. सो सिमिलरली बी माइनस ए बी प्लस ए. तो एल्जेब्रिक सम कुछ इस तरह से होगा ओके, जिसमें कंपोनेंट ऐड करना है. क्लियर? तो इसी तरह की एक मेथड है जिससे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक जस्ट रिपीट करें आगे वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. तो आगे वाले लेक्चर में सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था. तो यूनिट वेक्टर था कि सपोज एन ए कैरेट, सो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट ऑफ ए. ओके, मैग्नीट फाइंड करने की मेथड क्या, तो पहले हमने लिखा था कि वेक्टर लिखना है तो कंपोनेंट की एडिशन से होगा, ए एक्स प्लस ए वाई. ए एक्स कैसे मतलब कैसे कैलकुलेट होगा, तो ए कॉस थीटा. ए वाई कैसे कैलकुलेट होगा, तो ए साइन थीटा. मैग्नीट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, तो सभी कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन प्लस स्क्वायर रूट. ओके, और एंगल के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स से कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये सभी फार्मूला हमने कंप्लीट किए हैं. ओके, तो सबसे पहले एल्जेब्रिक सम. एक चीज़ और भी है कि अब तक आपने वो डिफरेंट एंगल कि कॉस और साइन मैग्नीट्यूड आपने पढ़ी होगी और याद भी रखी होगी. एज फॉर एग्जाम्पल, पहले साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा लिख रहा हूँ, थीटा पहले ज़ीरो देन 30 45 60 90, ये सभी आप जानते हैं. ओके, और ये याद भी रखना है. साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1. रिवर्स कर दो मतलब 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. लेकिन जब हम वेक्टर की न्यूमेरिकल करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी आगे आपको एंगल मिलेगा, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना आना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी पता चलना चाहिए. तो इसलिए एक यूनिट मतलब सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, ये सर्कल आप मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन बाहर जो स्टूडेंट के लिए ये कम्प्लीटली याद रखना पड़ेगा. सपोज की रेडियस 1, तो इसलिए यहाँ जो पॉइंट्स है उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 0, यहाँ के लिए -1 0. ओके, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश. ओके, सिमिलरली यहाँ क्या होगा, 0 1 0 -1. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स इज लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो. इन थर्ड एक्स लेस देन जीरो, वाई ऑल्सो लेस देन जीरो. बट इन फोर्थ एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई लेस देन जीरो. क्लियर? पता चल गया?
ये होता है 0 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 180 डिग्री, इसको लिखेंगे 270 डिग्री, और एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो इसको लिखेंगे 360 डिग्री। क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। तो अभी जो आपने लिखा था, जो टेबल बनाई थी, ओके, उस टेबल को फिर से जनरेट कर रहा हूँ। पहले लिखूँगा थीटा, देन साइन थीटा, देन कॉस थीटा, 0 डिग्री, 90, 180, 270, और उसके बाद क्या होगा? 360। अब सर 360 डिफरेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 और 360 कॉमन है, ओके। इस डायग्राम से सभी वैल्यूशन आपको मिल जाएगी। कैसे? एस फॉर एग्जांपल साइन 0, तो 0 कहाँ है? इधर, इधर 0 है, तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट वो कॉस की वैल्यू देगा, एंड वाई कंपोनेंट साइन की वैल्यू देगा। आपको पहले लिखना है साइन 0, तो क्या लिखा? 0, बट कॉस 0, तो एक्स कंपोनेंट मतलब 1। सिमिलरली 90 पे आओ, एक्स कंपोनेंट क्या देगा? कॉस। एक्स कंपोनेंट क्या देगा? कॉस। वाई कंपोनेंट क्या देगा? साइन। यहाँ 180, एक्स कंपोनेंट क्या देगा? कॉस। वाई कंपोनेंट क्या देगा? साइन। इधर एक्स कंपोनेंट क्या देगा? कॉस, और वाई कंपोनेंट साइन। यहाँ लिख रहा हूँ एन ए कैरेट मतलब ए अपॉन मैग्नेट ऑफ ए, ओके। 360 आप तो फिर से यहाँ आ जाएंगे, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या देगा? कॉस, वाई कंपोनेंट क्या देगा? साइन। क्लियर? तो आगे और भी मिल गया, 90, 180, 270, 360, तो ये सभी चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ और भी, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड के अंदर ओके साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव रहेगा। ऑल फंक्शन साइन टेन कॉस, शॉर्ट फॉर्म में ऑल STC, ऐसे भी हम याद रखते हैं, ओके। ये इसलिए याद रखना है कि जब भी हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, ओके, और डायरेक्शन में बताया गया कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, एक्स क्या है? पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो फोर्थ, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। समझ सकता है कि दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, कौन सी क्वाड्रेंट में होगी? तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इस तरह से ये पूरा टेबल दिया, मतलब सॉरी सर्कल जो है, यूनिट सर्कल, उसको याद रखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। क्लियर? और साथ में हमको ये सब याद रखना है, ओके। एज फॉर एग्जांपल सपोज वेक्टर पी इज इक्वल टू 3i - 4j, किस क्वाड्रेंट में होगा? सो 3i, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ओके। लेकिन ऐसा लिखा होगा 3i + 4j, कहाँ होता है? लेकिन सपोज सर लिखा का -3i + 4j, तो क्या लिखेंगे? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, पता चल रहा है? तो वेक्टर देखने से भी, वेक्टर से भी आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में रहेगा। क्लियर? अब एल्जेब्रिक सम की वाली मेथड हो गई, यूनिट सर्कल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो लास्ट जो थियरी हमने पढ़ी थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उस सबको मिला के अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपको प्रॉपरली याद है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, लेकिन ये सभी पैटर्न कॉम्पिटेटिव की है। वो लोग ऐसे मानते हैं कि इस थियरी से नॉर्मली इतने न्यूमेरिकल तो उनको पता चल जाना चाहिए, ओके। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द यूनिट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i - 8j। ऐसा मैंने कल ये सॉल्व करके दिया था, ओके। आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, इन डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 6i - 8j, ओके। तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर एन ए कैरेट फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नेट ऑफ वेक्टर। तो पहला क्या हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिस्ट लिख के रख रहा हूँ मैं, एन ए कैरेट
ए अपॉन मैग्नेट ऑफ ए, ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा, ए वाई मतलब ए साइन थीटा, वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इसलिए लिखा है कौन कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे वो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ये फार्मूला यूज़ की, लेकिन पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए, सो मॉड ऑफ ए के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिख रहा हूँ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये ए एक्स, इसको क्या लिखेंगे ए वाई, सो नाउ एट सॉरी सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर 36 प्लस 64 इन स्क्वायर रूट 100, सो आंसर इज 10, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 10। सो नाउ एन ए कैरेट इज इक्वल टू पहले वेक्टर 6i माइनस 8j अपॉन 10, सो नाउ एन ए कैरेट इज इक्वल टू 0.6i कैरेट माइनस 0.8j कैरेट, 0.6 i कैरेट माइनस 0.8 j कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब आपको चेक करना कि ओरिजिनली यूनिट वेक्टर है कि नहीं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, जिसके मैग्नीट्यूड 1, इसको क्या बताएंगे यूनिट वेक्टर, तो उसकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें। क्या करना है, सभी कंपोनेंट की स्क्वायर 0.6 माइनस 0.8 सो 0.36, 0.64, एडिशन ऑफ 1, मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 है, इसको क्या बताया जाएगा, यूनिट वेक्टर बताया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पैटर्न पता चल गई, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 6i प्लस 8j, क्लियर पता चल गया। ओके, नाउ जो ज़्यादा रिपीटेडली है ऐसी और एक इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैरेट एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 3k कैरेट प्लस 3k कैरेट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी एंड वेक्टर बी माइनस ए। अब हमारे पास तो सिर्फ दो ही वेक्टर हैं ए और बी, और ये दोनों की मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, ए माइनस बी और बी माइनस बी बी माइनस ए अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक। ओके, नाउ ए की मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फोर नाइन 16 आंसर रूट 29। सिंप्लीफाई करो या नहीं करो चलेगा, कैलकुलेटर है इसलिए कर सकते हैं लेकिन चलेगा। ओके, नाउ सिमिलर मैग्नेट ऑफ बी बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड बी जेड स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओके 16 प्लस 25 प्लस 9 एडिशन रूट 50। एडिशन क्या हो जाएगा, रूट 50। तो यहाँ तक पता चल गया। ओके, अब कैलकुलेट करना है, पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे,
बाद में ए माइनस बी फाइंड करेंगे, बाद में बी माइनस ए और उसकी मैग्नेट निकलेगी। दो ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए। अब तो सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैरेट, ए वाई प्लस बी वाई जे कैरेट, ए जेड प्लस बी जेड के कैरेट। ओके ना ए एक्स टू प्लस बी एक्स फोर आई कैरेट, ए वाई थ्री बी वाई फाइव जे कैरेट, ए जेड फोर बी जेड थ्री के कैरेट। यू गेट ए प्लस बी वैक्टर इज अ सिक्स आई कैरेट प्लस एट जे कैरेट प्लस सेवन के कैरेट। नाउ गेट ए प्लस बी, सो नाउ फाइंड द मैग्नेट ऑफ ए प्लस बी। सो नाउ स्क्वायर ऑफ होल कंपोनेंट एंड एडिशन विथ स्क्वायर रूट। सो नाउ 36, 64, 49, सो आंसर इज रूट 149, रूट 149। क्लियर? जिस मेथड से ए प्लस बी हुआ उसी मेथड से क्या करेंगे, ए माइनस बी। ओके, चेंज क्या करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर कि सपोज आपको ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। सो नाउ ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैरेट, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड। ओके, सो नाउ टू माइनस फोर आई कैरेट, थ्री माइनस फाइव जे कैरेट, फोर माइनस थ्री के कैरेट। सो गेट माइनस टू आई कैरेट, माइनस टू जे कैरेट एंड प्लस के कैरेट, के डिफरेंस इज वन। ओके, सो ये आपको मिला ए माइनस बी। नाउ मैग्नेट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, फोर प्लस फोर प्लस वन रूट नाइन, सो आंसर इज थ्री। ओके, किसके आंसर हुई, ए माइनस बी। ओके, नाउ बी माइनस ए। बी माइनस करना मतलब फॉर्मूला चेंज करनी पड़ेगी। बी माइनस ए बी एक्स माइनस ए एक्स आई कैरेट, बी वाई माइनस ए वाई जे कैरेट, बी जेड माइनस ए जेड के कैरेट। सो नाउ बी एक्स फर्स्ट, सो फोर माइनस टू आई कैरेट, बी वाई फाइव माइनस थ्री जे कैरेट एंड थ्री माइनस फोर के कैरेट। सो नाउ बी माइनस ए वेक्टर इज टू आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट माइनस के कैरेट। अब सपोज आपको आगे ए माइनस बी पता हो, अभी कैलकुलेट किया था, सो ए माइनस बी क्या मिला था, माइनस टू आई माइनस टू जे प्लस के। तो दोनों में ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ साइन चेंज हो गई, दोनों में साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, इसकी मैग्नेट कैलकुलेट करते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए, सो इन स्क्वायर रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, सो गेट फोर प्लस फोर प्लस वन, सॉरी ये माइनस वन होगा, सो रूट नाइन एंड दैट इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ भी आंसर वही आया था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, वो तो है ही, दोनों इक्वल नहीं मिले, लेकिन
mod of a minus b is equal to mod of b minus a. दोनों इक्वल नहीं है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी. क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल प्रॉपरली प्रिपेयर करना है. Okay, now next numerical. Now vector A is equal to 2i caret plus 3j caret. Vector A is equal to 2i plus 3j. And vector B is equal to 6i plus 8j. Which vector you added in subtraction of B minus A? In subtraction of B and A, which vector you added in subtraction B minus A? Then you get the unit vector of y axis. फिर से वेक्टर इक्वल टू आई प्लस थ्री जे, वेक्टर बी इक्वल सिक्स आई प्लस एट जे. ओके, विच वेक्टर यू एडेड इन बी माइनस ए, यू गेट unit vector of y axis. First, do vector v, which vector you added in b minus a, iske subtraction mein kaun sa vector aap add karenge, should get the unit vector of y axis. ओके, यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस मतलब पूरा एक इक्वेशन बनाएंगे. पहले हम बी माइनस ए, सिर्फ सपोज मैंने सी ऐड किया, यू गेट यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस मतलब j कैरेट आंसर आना चाहिए. ये दोनों की सब्ट्रैक्शन, विच वेक्टर एडेड, सो सपोज सी, यू गेट आंसर j कैरेट. सो नाउ 6i प्लस 8j माइनस 2i plus 3j plus c is equal to j. पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 4i कैरेट. ओके, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 5j कैरेट प्लस c इज इक्वल टू j कैरेट. सो c 5 कैरेट है, उसको उधर से कर, सो वेक्टर c इज इक्वल टू 4i कैरेट, सॉरी माइनस 4i कैरेट माइनस 5j कैरेट एंड प्लस j कैरेट, ये उधर से क्यों गया. सो गेट c इज इक्वल माइनस 4i कैरेट माइनस 4j कैरेट, बिकॉज ये प्लस और ये माइनस. तो ये वेक्टर हमको कैलकुलेट करना था, लिखा था विच वेक्टर यू एडेड इन b माइनस a, देन यू गेट तो यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस. अब देखो सपोज यही वेक्टर रखेंगे और क्वेश्चन चेंज कर देंगे, विच वेक्टर यू एडेड इन b माइनस a, यू गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, तो आंसर क्या आना चाहिए, i कैरेट. यही a इक्वल टू i प्लस 3j, b इक्वल 6 प्लस 8j, विच वेक्टर यू एडेड इन b माइनस a, यू गेट यूनिट वेक्टर ऑन z एक्सिस, तो आंसर क्या होगा, k. ओके, यूनिट वेक्टर ऑन माइनस x एक्सिस तो माइनस i, यूनिट वेक्टर ऑन माइनस वाई एक्सिस तो माइनस जे. मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वेक्टर तो यही होंगे. क्लियर? ओके, तो ये न्यूमेरिकल की पैटर्न टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इस टाइप की न्यूमेरिकल है, तो ये पैटर्न आपको याद रखनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये सभी न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है, मतलब जब आप होमवर्क करेंगे
वीडियो से आप क्वेश्चन लिख के पूरा लिख के मतलब आंसर के साथ होमवर्क में सबमिट करेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज अ 10, एफ इज 10 एंड वेक्टर ए इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेक्टर ए इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट एंड नंबर वन 90 डिग्री, नंबर टू 180 डिग्री, नंबर थ्री 270 डिग्री, नंबर फोर 360 डिग्री। आज जो मैं वो यूनिट सर्कल ड्रा करके दिया वो काम में आएगा, थोड़ा डायग्राम बना दे, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ओके, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 10, बट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360। हमको सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? तो लिखा था एक्स कंपोनेंट ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, इस दो से ही हम पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले फॉर 90 डिग्री पहले क्या आएगा, ए एक्स ए कॉस थीटा, सुना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो मैग्नीट्यूड ए इज 10, कॉस 90 क्या वैल्यू होती है 0, हमने लिखा था सभी जगह पे, ओके कॉस 90 0। समझ जाए यूनिट सर्कल, ऐसा एसम्प्शन ले लो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे -0, यहाँ लिखेंगे 0 1 और यहाँ लिखेंगे 0 -1, तो सब मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी। मैंने कैसे पढ़ाया था कि एक्स कंपोनेंट आपको कॉस देगा, वाई कंपोनेंट आपको साइन देगा, तो साइन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 साइन 90, ओके साइन 90 चाहिए वाई कंपोनेंट, सो नाउ 10 × 1 आंसर 10, यहाँ भी पूरी सिंप्लीफिकेशन लिखें तो 10 × 0 मतलब 0। ओके, नाउ फॉर 180 डिग्री अगेन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू 10 cos 180, सो 10 बराबर है 180, यहाँ लिखा एक्स कंपोनेंट क्या देगा कॉस मतलब माइनस, यू गेट आंसर -10। ओके, नाउ सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, 10 साइन क्या होगा 180, सो साइन 180 के लिए वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट मतलब 0, आंसर। ओके, नाउ फॉर 270 वाली कंपोनेंट यूज करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स ए कॉस थीटा, ए के मैग्नीट्यूड 10 cos 270, कॉस 270 मतलब एक्स कंपोनेंट क्या लिखा है 0, ए एक्स इक्वल टू 0, सुना ए वाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू 10 sin 270, सो नाउ 10 270 पे वाई कंपोनेंट सो -1, आंसर इज -10 एंड लास्ट फॉर 360 डिग्री
इसमें पूछा था 90, 180, 270, 360. ओके सो नाउ एक्स ए कॉस थीटा मैग्नेट इज 10 कॉस 360. ओके कॉस 360 और जीरो यहाँ होता है एक्स कंपोनेंट कॉस की वैल्यू देगा मतलब 1. सो नाउ 10 इंटू 1 आंसर 10. सो नाउ ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए की मैग्नीट्यूड 10 क्या लिखेंगे साइन 360 डिग्री साइन 360 मतलब वाई कंपोनेंट. सो ए वाई इज इक्वल टू 0. अब कंपोनेंट फाइंड करना आ गया होगा और एक चीज़ और भी अब आपको 0, 30, 60, 40, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 तक के वैल्यूएशन याद रहेंगे. हो सके तो एक टेबल पूरा कंप्लीट कर दो. ओके तो जब भी हम इस टाइप की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा. तो आज मैंने पहले एल्जेब्रिक मैथड एक्सप्लेन की है. मैं बताऊँ कि कौन सा क्वेश्चन है. ओके रेफरेंस बुक के अंदर 22 नंबर क्वेश्चन है. रेफरेंस बुक के अंदर 22 नंबर क्वेश्चन लेकिन उसको होमवर्क पे आप नहीं लिखेंगे सिर्फ पढ़ेंगे. 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन आपको जो होमवर्क में लिखा है वो सभी न्यूमेरिकल. आज जो मैंने डिफरेंट 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए वो सभी न्यूमेरिकल होमवर्क में लिखे सबमिट करना है. ओके तो आज इतना ही रखेंगे और जो भी डाउट है वो आप डाउट सॉल्व करेंगे और सभी होमवर्क 10 to 10 उसको कंप्लीट करके ग्रुप में PDF सेंड करेंगे. ओके एक सॉ कि इस संडे से MCQ टेस्ट स्टार्ट होगी. इस संडे जो MCQ टेस्ट है इसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा. चैप्टर नंबर 3 क्लियर.